जैसा कि हम सब जानते हैं कि जब कोई अच्छी चीज होती है तो वो तारीफ या समय के साथ साथ बढ़ती चली जाती है। हमने अपना इंटरव्यू शुरू किया था विनीत के साथ, अनुराग सर आ गए और अब फिल्म की हीरोइन जोया भी हमारे साथ जुड़ गई है। तो ये है जोया और इनको आप लगातार कई जगह अब देख रहे होंगे टीवी पे, और जो प्रोमोज आ रहे हैं उसमें इन्होंने आपने इनकी आवाज नहीं सुनी होगी। आज हम इंटरव्यू में इनकी आवाज भी सुनाते हैं। सर, पहले तो सर के साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा था, और जो आपकी ट्रेनिंग के लिए बोल दिया ना कि मुझे जैसा लगातार फिल्मों में दिख रहा है वैसा नहीं चाहिए, कुछ अलग चाहिए, तो उसके बारे में अगर कुछ बता सकती है तो। इनके साथ काम करना तो बहुत ही बुरा था, इन्होंने बहुत डांटा, बहुत काम करवाया, मैं हर टाइम थकी हारी थी, कुछ मजे ही नहीं थे हमने, इतना बोरिंग था, इतना खराब, सब झूठ है, ऑब्वियसली ये सब झूठ है। मुझे बहुत मजा आया, मेरे लिए तो मेरी ऐसी पहली पिक्चर है तो मेरे लिए सब कुछ नया था, एंड इतने अच्छे लोग हैं पिक्चर में, इतना सीखने को मिला तो बहुत मजा आया। हम लोग चाहते थे कि इसमें जो साइन लैंग्वेज है या एक्चुअली इंडियन साइन लैंग्वेज जो है उतनी भी कॉम्प्लेक्स नहीं है। अगर आप पिक्चर बिना सब टाइटल्स के भी देखें तो अनुराग चाहते थे कि आप वो समझ जाए वो क्या कह रही है, और कैरेक्टर का यही पॉइंट है कि वो बोल नहीं पाती है लेकिन उसके बाद बहुत है कहने को, और उसका जो गुस्सा है, जो फ्रस्ट्रेशंस हैं, वो इसी बात से निकलती हैं कि मैं कैसे आपको कैसे समझाऊं, क्योंकि वो सब सुन सकती है, उसका आइडिया है वॉल्यूम का, साउंड का, वो सुन सकती है, तो उसकी जो फ्रस्ट्रेशंस हैं वो यही है कि आप क्यों नहीं ट्राई कर रहे हो।